जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स इस टाइम पर चरम पर है। चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जहां जिस तरफ देखें वहां हर डोरी आपस में जुड़ी हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि ये डोर उससे जुड़ी है या किससे जुड़ी है, तो पता लगा है एक पॉइंट के जो कनेक्शंस हैं वो दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में एक तरफ की सिचुएशन को संभाल कर समझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ की सिचुएशन जो है वो खड़ी हो जाती है और मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि सर उस पर भी वीडियो बनाओ। तो मानव मतलब एक क्षमता है, उसकी एक सीमा है। भाई मैं एक सिंपल अकेला ही हूँ जो लगा हुआ हूँ इसमें आपके वीडियोस वगैरह बनाने में, तो काफ़ी कुछ मामला जो है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर भी नाराज़ ना हो जो कमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं आप कि सर आपने ये वाला टॉपिक ना बनाया, नहीं बनाया, वो वाला नहीं बनाया, सभी बनाए के पेशेंस रखिए। आज का मेरा टॉपिक है कि ईरान जो है उसने अमेरिका की हालत कैसे ख़राब कर रखी है, या अमेरिका ईरान के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है, जबकि वो अमेरिका ईरान को किसी टाइम पर बर्बाद करने पर तुला हुआ था। और आज हालात ये हैं कि यही अमेरिका है किसी भी सूरत में ईरान के साथ एक डील फिक्स करना चाहता है, और यहाँ तक कि इसके चक्कर में अगर वो इसराइल को नाराज़ कर रहा है तो वो उससे भी पीछे नहीं हट रहा। तो सिनारियो क्या है इसे समझिए। इस सिनारियो को समझने के लिए हमारे को अमेरिका ईरान रिलेशंस को देखना पड़ेगा। अगर आप देखें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, आज के दिन ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन शुरू से हैं, दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप 1978 तक देखें तो 1978 तक ईरान अपने आप में वेस्टर्नाइज्ड, बहुत ज़बरदस्त लेवल पर एक कंट्री, वेस्टर्नाइज्ड कंट्री, जो आप आज के दिन इस्लामिक बुरके और सब चीज़ों के अंदर कट्टरवादिता वहाँ देख रहे हैं, वो कहीं नदारत थी, गायब थी। और उसकी जगह अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी आपको नज़र आएगी, क्योंकि रूल ऑफ शाह था, रूल ऑफ शाह था। और रूल ऑफ शाह जो था उसमें शाह का जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसके साथ एक ज़बरदस्त, एक अच्छा रिलेशन बना हुआ था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं एक मतलब ऑयल और गैस के सप्लाईज़ और ऑनरशिप को लेकर शाह और ईरान, शाह और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ बिगड़ गई शाह की, और इसीलिए यहाँ पर ईरान के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। और मज़े की बात ये कि ईरानियन रेवोल्यूशन जो 1978 में हुआ उसके बाद शाह को भागकर अमेरिका शरण लेनी पड़ी। तो सिचुएशन आप समझ सकते हैं, जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और शाह को भागकर शरण लेनी पड़ी अमेरिका के अंदर, और ईरानियन रेवोल्यूशन का जो खामेनेई था वो खामेनेई और कहीं नहीं, एक रिलीजियस लीडर था, वो और कहीं नहीं लंदन के अंदर रहता था, और लंदन से जाकर उसने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि ऐसा मानना है कि ईरानियन रेवोल्यूशन, और ईरान वाले इसे इस्लामिक रेवोल्यूशन कहते हैं, और ये माना जाता है कि चाहे ईरानियन हो चाहे इस्लामिक हो, दोनों रेवोल्यूशन जो हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका था, ताकि वो शाह के रूल को कंट्रोल कर सके, उसे अपनी कठपुतली बनाए रख सके। लेकिन ये जो खामेनेई था जो रिलीजियस धर्मगुरु की फॉर्म में आगे बढ़ा, इसने शुरुआत के अंदर तो पॉसिबली अमेरिका के साथ थोड़ी बहुत, बहुत लिमिटेड पार्ट में एक सपोर्ट किया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं यहाँ अमेरिका एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स जो हैं वो डेवलप होने लगे, और इन्होंने ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाने का बीड़ा उठाया। इस्लामिक रेवोल्यूशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का बीड़ा उठाया, और ये कहा कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है ये पूरी दुनिया में फैलेगा। अब यहाँ आप सोचना शुरू कीजिए कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में फैलेगा, तो यहाँ ये ईरान जो इस तरीके से मौजूद है
और इधर ये ईरान एक बड़ा देश, बहुत बड़ा, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये हम इस्लामिक रेवोल्यूशन करेंगे। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन का दूसरा सबसे बड़ा ख़तरा यहाँ पर आपको दिखेगा, ये तो कुवैत है छोटा सा, ये सऊदी अरेबिया और पूरे के पूरे अरब कंट्रीज़ और अरब डोमिनेंस। यहाँ सोच कर देखिए, यहाँ दो देश हैं, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरेबिया। ईरान कह रहा है कि अब हमारे देश में या अब हम यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, और इस्लामिक रेवोल्यूशन अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो पूरी दुनिया को हमारे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को, पूरी दुनिया को हमारे ही सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जैसा हम कहेंगे। तो यानी इधर कहा गया इस्लामिक रेवोल्यूशन, लेकिन यहाँ असलियत में इस इस्लामिक रेवोल्यूशन का सीधा सीधा चैलेंज मिलता सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ की डायनेस्टीज़ को, जो पूरे तरीके से इस टाइम पर अरब कंट्रीज़ के ऊपर डोमिनेट कर रही थी। दूसरा, इस ईरान ने खुले तौर पर ये कह दिया कि भाई इस अर्थ या इस अरब लैंड पर ये जो इज़राइल है इसकी कोई जगह नहीं है, मेरा बस चले और मेरा पूरा एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस इज़राइल को अरब लैंड से बाहर निकालना। तो क्योंकि यहाँ एक पैलेस्टीनियन इशू को उठाना ज़रूरी था, और जैसे ही पैलेस्टीनियन इशू को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो अरब नेशंस हैं इनका एक बेस, सपोर्ट बेस जो है वो अमेरिका, वो ईरान को मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि बीच में इराक में सद्दाम हुसैन और सीरिया में बशर अल असद, सद्दाम हुसैन और ईरान की तो खुल कर जैसे कहते हैं दुश्मनी थी। 10 साल तक ये लोग आपस में खुल कर ज़बरदस्त लेवल पर लड़े। एक तरफ अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था और दूसरी तरफ गल्फ वॉर चल रहा था। ऐसी सिचुएशन के अंदर कुवैत के ऊपर कब्जे को लेकर भी सद्दाम हुसैन ने जब कब्जा किया तो अमेरिका से बाद में बिगड़ी थी, लेकिन पहले सद्दाम हुसैन अमेरिका की शह पर ईरान से लड़ रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था दो पावर्स के लड़ने का, और यहाँ पर अमेरिका के जो इंटरेस्ट पूरे के पूरे इस अरब वर्ल्ड में थे वो हैम्पर हो रहे थे। यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई, जो कि 2005 के बाद और ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जब फंस गया तो ईरान खुलकर तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, और बहुत से तालिबानी लीडर्स को ईरान में देखा गया और ईरान में शह मिलती, और अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका को फंसाए रखा गया और तालिबान को हारने नहीं दिया। यहाँ से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ती चली गई और सैंक्शंस आगे बढ़ते चले गए। और ईरान की एक ख़ास बात और थी कि उसने IAEA का मेंबर बनने के बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की, और अब उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ये मिसाइल टेक्नोलॉजी तो पहले ही डेवलप कर चुका है, और दूसरी तरफ ये जो है ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो सीधी सी बात यह है, सऊदी अरेबिया से लेकर सीरिया, इराक से लेकर इसराइल से लेकर जितना भी ये अरब वर्ल्ड है ये सारा ईरान के प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ईरान कहेगा बेटा फालतू बोलेगे तो अभी बम मारता। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अमेरिका इस टाइम पर जो है वो ईरान से नाराज़ है और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाकर उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया है, ताकि ईरान जो है वो किसी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। और दूसरी एक सबसे बड़ी खास बात, अमेरिका पूरी कोशिश के साथ, पूरी ताकत के साथ चाहता है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का एक तरीके का फ्रंट लाइन स्टेट है, जो जरा जरा सी बात के ऊपर अरब कंट्री से लड़ चुका है, और एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस या एक बहुत लंबे चौड़े एफर्ट के थ्रू, मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लड़ाइयाँ लड़ चुका है, 6 से 7 लड़ाइयाँ लड़ चुका है अरब कंट्रीज़ के साथ। तो सोच कर देखिए, ज़रा सी बात के ऊपर ये इसराइल हमला कर देता है अरब कंट्रीज़ से, लड़ पड़ता था अरब कंट्रीज़ के लिए, लेकिन किसके लिए? अमेरिका के लिए। अब सोच कर देखिए, ऐसी सिचुएशन में एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, तीसरी तरफ ईरान,
और ये सऊदी अरेबिया से लेकर ये जितने भी कंट्रीज हैं, सूडान को थोड़ा हटा दीजिएगा, जितनी भी कंट्रीज हैं ये सारी की सारी, खासकर ये अरब कंट्रीज जो हैं, ये सारी की सारी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी कि अमेरिका हमारी ईरान से रक्षा करेगा। और दूसरी तरफ इसराइल भी खुलकर कहता था ईरान का दुश्मन अमेरिका, मेरा अमेरिका ईरान का, ईरान जो है वो अमेरिका का दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। अब सिचुएशन क्या क्रिएट हुई है दोस्तों, सिचुएशन यहाँ ये क्रिएट हुई है कि इस अरब कंट्री, यहाँ पर क्राइसिस आया यूक्रेन का। इस यूक्रेन क्राइसिस के अंदर अमेरिका ने अपना कुनबा इकट्ठा करना शुरू किया और इधर ये रशिया जो है इसने खुलकर यूक्रेन के ऊपर हमला करना शुरू किया और लगभग चारों तरफ से हमला करके यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। अब रशिया जो है वो नाटो के बॉर्डर तक पहुंच चुका है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खुद सोच कर देखिए, अमेरिका ने रशिया के ऊपर फिर वही काम किया कि सैंक्शंस लगाए, और जैसे ही अमेरिका ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए, इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि रशिया के ऊपर जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए और ये कहा कि आप डॉलर का इस्तेमाल नहीं करोगे, स्विफ्ट जो सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, न जाने कौन कौन से सिस्टम्स को डेवलप कर दिया जो अमेरिका ने सैंक्शंस के नाम पर रशिया के ऊपर लगा दिए, यानी रशिया की इकोनॉमी को कलेप्स कर या क्रश करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी और रशिया जो है वो डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। लेकिन रशिया भी शायद पिछले 20 साल से कुछ अलग ही लेवल की तैयारी कर रहा था। रशिया ने यूरोप को ऑयल और गैस सप्लाई के नाम पर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। रशिया ने बहुत ज़बरदस्त चाल ये चली कि जो अमेरिका के फ्रेंडली कंट्रीज थे उनको ऑयल और गैस पाइपलाइन के थ्रू जब भेजना शुरू किया तो उस पाइपलाइन की वजह से ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रशिया पर डिपेंडेंट होते चले गए। बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो 99 से लेकर 100% ऑयल और गैस सिर्फ और सिर्फ रशिया से मंगाते हैं और पूरे यूरोप की टोटल कंजम्पशन का 40% ऑयल और गैस जो है वो रशिया से आता है। अब आपने रशिया को कहा कि भैया डॉलर बंद कर दे, सारे देशों को कहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तो सोचकर देखिए सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो और वो दूसरी मार्केट में जाएंगे, हालांकि दूसरी मार्केट में जाने के लिए और जाकर तेल खरीदने के लिए उनको अभी भी 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। यानी सारे यूरोप के कंट्रीज जो हैं अगर यूक्रेन से, रशिया से तेल लेने से मना करके सीधे सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों से तेल खरीदना शुरू करते हैं तो कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा उन्हें, 6 महीने का, क्योंकि लगभग 10 से 15% की जो सप्लाई है वो रशिया करता है और 15% की सप्लाई अगर रशिया ऑयल की करता है तो वो सप्लाई एकदम से कम पड़ जाएगी। तो एक तरफ तो डिमांड सेम है तो रशिया जो प्राइस है वो बढ़ेगा और यूरोपियन कंट्रीज़ को पहले तो 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जो दूसरे देशों से आकर लाए गए तेल को यूटिलाइज़ करवा पाएँ। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और क्योंकि आप रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहे तो सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। नतीजा ये है कि प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग होंगे, ऑयल प्राइस जो है वो स्काई रॉकेटिंग होंगे। अब ऐसे में अगर प्राइस बढ़ेगा तो यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर सीधा दबाव पड़ेगा इसका, यूरोपियन इकोनॉमी पर अगर सीधा दबाव पड़ेगा तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अब शोर मचाना शुरू कर चुकी हैं और इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर जो नाटो है उसमें एक रिफ्ट क्रिएट हो चुकी है कि भाई हम तेरी बात मानने वाले नहीं हैं और तेरे चक्कर के अंदर अब हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। अब क्योंकि नाटो का कुनबा बिखर रहा है तो इसी वजह से अब अमेरिका अंडर प्रेशर है, अमेरिका इज अंडर प्रेशर। अब अमेरिका जो है वो यहाँ प्रेशर में आ चुका है और क्योंकि अमेरिका यहाँ प्रेशर में आ चुका है इस, और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रेशर को बढ़ाने का काम किया सऊदी अरेबिया एंड अदर ओपेक कंट्रीज़ ने,
वो ये कहते हैं कि भैया असलियत में लड़ाई है तुम्हारी, इसकी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की। हम 2012 से लेकर 2022 तक सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लोवेस्ट प्राइसेस को झेल रहे थे, 30 से लेकर $50 पर बैरल का जो तेल आ रहा था, इस वजह से समस्या आ रही थी। अब हमारे को एक मौका मिला है ऑयल को बढ़े हुए दामों पर बेचने का, तुम अब ये कह रहे हो कि प्रोडक्शन बढ़ा दो और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और इन सब के अगेंस्ट जाएगा, और क्योंकि ये इसके अगेंस्ट जाएगा इसका बेनिफिट सऊदी, इसका तो सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा। अब सऊदी अरेबिया और दूसरे ओपेक कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया। अमेरिका उस ऑयल को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका को भी अभी टाइम लगेगा उसी लेवल पर पहुंचने में, और अमेरिका उसकी 100% भरपाई कर पाएगा इसकी भी एक आशंका कम ही है। ऐसे में एक ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करने वाला एक कंट्री है ईरान। अच्छा, और ये ईरान भी बड़े मजे ले रहा है। ईरान अपने हाउदी रिबेल्स की सपोर्ट से कहीं ना कहीं सऊदी जो कंपनीज हैं उनके ऊपर रॉकेट अटैक करा रहा है, और जैसे ही सऊदी कंपनीज के ऊपर रॉकेट अटैक होता है उसका सीधा सीधा असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है, और जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे अमेरिका की नर्वसनेस बढ़ जाती है, और अमेरिका की नर्वसनेस बढ़ते ही अमेरिका प्रेशर में और ज़्यादा आता है, और कहीं ना कहीं दोबारा से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने की तैयारी में लग जाता है। और यहीं से ईरान जो है वो भले ही इस टाइम पर कंगाल हो चुका हो, लेकिन इस टाइम पर आप मानेंगे कि ईरान जो है वो एक बारगेन की कंडीशन में है। ईरान जो है वो बारगेन की कंडीशन में है, और बारगेन कर करके न्यूक्लियर डील के ऊपर साइन करने से पहले पूरी ताकत के साथ जितना मैक्सिमम हो सके उतना बारगेन करवा रहा है। तो असलियत में अगर आप देखेंगे तो यहां असलियत में बाइडन फंस चुके हैं, और यही कारण है कि बाइडन एक तरफ तो अरब कंट्रीज को मनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ईरान से डील करने में लगे हुए हैं, लेकिन तीसरी तरफ अगर आप देखोगे इसराइल, तो इसराइल के अंदर तो सिचुएशंस जो हैं वो इतनी ज्यादा खराब हैं कि इसराइल कई बार अमेरिका को खुले तौर पर हड़का चुका है कि तेरे चक्कर में मैं बर्बाद होने वाला नहीं हूं, वरना तेरे को भी देख लूं। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है इस टाइम पर अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है, और ईरान जो है वो अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, ना खाई जा रही, ना निकाली जा रही, ना निकली जा रही। अब होगा क्या वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस टाइम पर अमेरिका फ्रस्ट्रेशन में है, ईरान उसके गले की हड्डी बन चुका है, और इतने प्रेशर में है कि इस टाइम पर जो बाइडन के जो भाषण है वो सीधे सीधे नजर नहीं आ रहे, वो कहीं ना कहीं पुतिन को कभी बुचर कहते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी उसको सत्ता से हटाने की बात करते हैं, और जैसे ही ये मामला आगे बढ़ता है या दिखाई देता है उसका सीधा सीधा असर ये दिखता है कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाहर आके कहता है कि बाइडन से जो बात निकली वो गलती से निकल गई, उनका ये कहने का मतलब नहीं था, उनका वो कहने का मतलब नहीं था। शॉर्ट में जो भी कहने का मतलब था, लेकिन पुतिन की वजह से बाइडन प्रेशर में आ चुके हैं, हालात खराब हो चुके हैं, ईरान के साथ कैसे भी डील करना चाहते हैं। अब वो तो वक्त बताएगा कि इस डील का नतीजा क्या है, लेकिन जल्द से जल्द डील करके ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाकर ऑयल की सप्लाई को कंटिन्यू करना, ताकि यूरोप के अंदर जो क्राइसिस आने वाला है उससे बचाया जा सके। ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। मेरी तो राय यही है कि इस समय पर रशिया प्रेशर में कम है और अमेरिका प्रेशर में ज्यादा है। आगे जो होगा वो वक्त बताएगा, वो तब तक के लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।